उत्तर प्रदेश से एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 6 महीने के लिए लगाया है इस्मा ESMA। क्या है नियम, क्या जानकारी है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रदेश में इस्मा यानी ESMA लागू होने के बाद अब कर्मचारी 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि कई विभाग अपने मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी में थे। प्रदेश में कोरोना महामारी का खतरा अभी भी बना हुआ है, ऐसे में कर्मचारियों को अब 6 महीने तक हड़ताल करने की अनुमति नहीं होगी। बता दें आपको दोस्तों, प्रदेश सरकार द्वारा इस एक्ट को 6 महीने तक और बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मंजूरी मिल गई है। सरकार ने स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को देखते हुए यह कदम उठाया है और प्रदेश में लागू इस्मा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत अगले 6 महीने तक प्रदेश में हड़ताल पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई जाती है। जानिए क्या है इस्मा। आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम इस्मा लागू करने में सरकार का विशेष शक्ति प्रदान होती है, जिसे लागू करने पर किसी भी सरकारी विभाग में हड़ताल को अवैध माना जाता है। वहीं इस कानून का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी को 1 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों चीजों का प्रावधान है। इसके लागू होने के बाद पुलिस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी जिसमें मैंने आपको बताया है कि अब उत्तर प्रदेश में 6 माह तक यानी 6 महीने तक इस्मा लागू होगा और कोई भी सरकारी विभाग हड़ताल नहीं कर सकेगा। ये बढ़ते कोरोना और स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को देखते हुए कदम उठाया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा इसी प्रकार के अपडेट के लिए।